खुदावंद ऐ रब मेरे, क्यों तू मेरी सुन रन, मेरी मदद ते फरियाद तो क्यों चुप रहना सुन नहीं। ऐ खुदावंद ऐ रब मेरे, क्यों तू मेरी सुन नहीं, मेरी मदद दी फरियाद तो क्यों चुप रहना सुन दन। We bless you, Lord. We bless your holy name. Lord, we bless your holy name. We bless your holy name. Lord, we bless you, bless you, bless you. We praise you. We praise you, King of glory. We praise your blessed name. We praise your blessed name. We praise your blessed name, blessed name, blessed name, blessed name. Lord, we praise your blessed name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We give you glory, give you praise, give you glory, give you praise, give you glory. Lord, we give you glory, give you praise. Hallelujah, hallelujah. Brother Deepak ji, Jai Masi ki. Jai Masi ki, Pastor Deepak ji. Jai Masi ki. जय मसीह की पास जय मसीह की। हालेलुया। पास्टर जी दुआ करेंगे, आप प्रार्थना कीजिए। हाँ जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। और इस समय पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपने दिल की गहराइयों से आपकी इबादत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, पूरी रात आपने हमें संभाल कर रखा, हमें मीठी नींद दी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। और एक नया दिन देखने के लिए पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन के ऊपर फजल किया, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और इस सुबह के समय में आपकी पाक और पवित्र हजूरी में आने के लिए पिता परमेश्वर, आपने फजल किया, प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, उनके समर्पण के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए, जो पिता परमेश्वर हर दिन पिता परमेश्वर प्रभु, आप उनके द्वारा हमारे जीवनों को खुदावंद अपने वचनों के मुताबिक आप ब्लेस करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आगे भी खुदावंद आपका फजल, आपकी दया और आपकी कृपा बनी रहे। और पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी इच्छा के मुताबिक चलाएं। और खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु, हमारा इकट्ठा होना आपको भाए मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाएं आपकी हजूरी में आपको कबूल होने पाए। और आज का वचन हमारे जीवनों को, हमारी जिंदगियों को ब्लेस करे और हम और आप में बढ़ते जाएं। हमारा देह, हमारा प्राण, हमारा आत्मा आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। सारा आदर, सारी स्तुति और सारी प्रशंसा पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रेशियस ब्लड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पास्टर जी। प्यारे प्रभु यीशु नासरी, हमारे स्वर्गीय पिता अवीनु मलखीनु, परमेश्वर के शाश्वत पवित्र आत्मा, हमारे सहायक, मददगार, हमारे मार्गदर्शक, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु पवित्र आत्मा का, जिसके द्वारा हमारे सनातन छुटकारे की मोहर लगाई गई। प्रभु जी, मैं आपके खून की कुदरत को आपके इस दास पे खोलता हूं, और जिस झुंड की प्रभु ये आपका सेवक निगेबानी करता है, उस झुंड पे आपका लहू छिड़कता हूं। और जो प्रभु सेवा आपका दास जाके बाहर स्ट्रीट्स पे, रोड्स पे करता है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपके दूत अपने आपके सेवक की सुरक्षा में तैनात रहे,
Lord, I pray whatever this man needs, Lord, I pray that you supply him from your right hand out of your heavenly resources. I speak blessing over Brother Deepak Masih in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jai Masih Ki. Jai Masih Ki. Jai Masih Ki. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद हो. खुरमे दे दरख्त दे वांग साधक ले लावेगा जो लुबनान दा सरूबदा ओ भी वददा जावेगा. ब्रदर ललित मेहरा जी, हालेलुया, वही प्रार्थना कीजिए जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा अपने दास को अपना दर्शन दिया और उसने अपने सृष्टा परमेश्वर की बैक साइड देखी, तो जो प्रोक्लेमेशन किया गया आत्मा में वही प्रार्थना हिब्रू में कीजिए ललित भाई. जय मसीह की. धन्यवाद. हालेलुया. यहूशा 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 हमशिया. थैंक यू जीसस ऑफ नजरेथ. हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुबह. जो विश्वास प्रभु आपके दास आपके नौकर डॉक्टर विनोद कनौडी पे जताया है प्रभु जी, उस पे खुदावन मुझे खरा उतारना प्रभु जी. मैं ये प्रार्थना जो पास्टर जी ने मेरे को सिखाई है खुदावन, मैं आज ये प्रार्थना करने जा रहा हूँ खुदावन. यीशु मसीह मेरी अगुवाई करना, अपने पवित्र लहू के बाड़े में रखना प्रभु जी. यहूशा हमशिया. हालेलुया. थैंक यू जीसस ऑफ नजरेथ. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया. स्वखन लखाई में लताक मिस्योना एलाबासान मेन वेसाग मित्तल इलाही माल खुदा खाईला तेस वक्ता लखालम अलमीन आमीन. जय मसीह की. आमीन. हालेलुया. लॉर्ड आई प्रे फॉर ब्रदर ललित मेहरा एंड हिज वाइफ एंड हिज सन एंड डॉटर एंड हिज इन लॉज एंड हिज मदर एंड हिज ब्रदर सिबलिंग हिज फैमिली सिस्टर एवरीवन. आई प्रे फॉर हिज बिजनेस लॉर्ड. आई प्लीड योर ब्लड. I plead your blessing over him. Bless him and prosper him. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. प्रभु जी हम ब्रदर रमन खान को आपके आगे उठाते हैं, इनके परिवार इनके घराने को आपके आगे लेके आते हैं प्रभु. विशेष तौर पे इनकी बुजुर्गवार माता जी को आपके आगे लाते हैं. Lord, stretch forth your hand over her. Lord, heal her, I pray. Lord, grant her long life. Life without pain and misery. I plead your blood over her. I plead your blood over his wife, over his two daughters. I plead your blood over his siblings in the mighty name of Jesus. Let your mighty hand be upon your servant and his household. प्रभु आज की सभा में ब्रदर रमन खान के घराने को हम सब मिलके यहोवा परमेश्वर के नाम में आशीर्वाद देते हैं यीशु मसीह के नाम. धन्यवाद धन्यवाद. जय मसीह की. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद. पास्टर कमल के लिए प्रार्थना करेंगे हम.
प्रभु आपके इस दास के लिए जो स्क्रीन पे है, इनके परिवार के लिए, खास करके इनकी बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी आशीष का हाथ इनके घराने पे हो। मैं आपका लहू पास्टर गिल पे, इनकी बहन, इनके घराने पे यीशु के नाम में छिड़कता हूँ और आपके आशीर्वाद को खोलता हूँ खुदावन, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की। प्रभु जी मैं आपकी बेटी मीनू सूद को आपके चरणों में लाता हूं। हालेलुया। आपको प्रभु ने छुआ, मीनू जी आप छोटी सी एक मिनट में गवाही दीजिए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु ने आपको चंगा किया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, आमीन। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रभु हम मीनू सूद को, इनके पति को आपके हाथ में देते हैं, इनके बेटे, इनकी बहू और इनके ग्रैंड चाइल्ड को आपके हाथ, आपकी आशीष का हाथ उनके जीवन पे हो प्रभु, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर मनीषा जी आप भी प्रार्थना कीजिए, दुआ मांगिए। हालेलुया। हालेलुया। महाजीवन सामर्थ्य परमेश्वर, दया के बहते सागर परमेश्वर, एक बार फिर आपके इकलौते पुत्र यीशु नाजनी परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं परमेश्वर, जाने अनजाने में किए हुए गुनाह अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, इस दिन के लिए, सुबह के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आपने हमें शामिल होने का मौका दिया परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा के बिना एक दिन का भी नहीं हिल सकता परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह हम पर परमेश्वर, ताकि हम आपसे जुड़े परमेश्वर, और सचमुच परमेश्वर इस पूरे ब्रॉडकास्ट को परमेश्वर मैं आपके लहू के नीचे लेकर आती हूँ परमेश्वर, एक एक जन को परमेश्वर तू छू और परमेश्वर फिर से मस्ता कर परमेश्वर, नई ताकत से, नई सामर्थ्य से तू भर दे एक एक जन को परमेश्वर,
वो तमाम ऐसे लोग जो परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, आपकी चंगाई वाला हाथ उन पर रखते हैं परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, जो भी परमेश्वर नीडफुल है परमेश्वर, जिनके पास फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है परमेश्वर, स्वर्गीय भंडार खोल परमेश्वर और उनकी जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, ये दास परमेश्वर जो आपसे हमें जोड़ता है परमेश्वर, इन दास को भी परमेश्वर मैं आपके लहू में छुपाती हूँ परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरना परमेश्वर, अपना नया मस्ता करना, नया अनुग्रह देना परमेश्वर, ताकि मैं आपके वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर तू अपना अनुग्रह बरसा परमेश्वर, हमें फिर से नया कर परमेश्वर, हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह वाला हाथ हमेशा हम पे बना रहने पाए परमेश्वर, आप हम में और हम आप में हमेशा बने रहने पाए परमेश्वर। ये प्रार्थना उदार करते इकलौते यीशु नासरी आपके सम्मुख होकर मांगते, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन। प्रभु जी, मैं सिस्टर मनीषा, इनके पति अमन, इनके बच्चों को आपके हाथ में देता हूँ। लॉर्ड, आई प्रे फॉर द हाउस दैट दे वांट टू बिल्ड, दैट यू विल प्रोवाइड देम सुपरनैचुरली। लॉर्ड, देयर हाउस विल बी बेटर देन दे ड्रीम्ड, बेटर देन दे इमेजिन्ड, फॉर यू डू नॉट ओनली व्हाट वी आस्क यू बट मच मोर देन दैट। लॉर्ड, इफिशियंस 3:20 सेज, Now unto him who can do exceedingly and abundantly above all that we can ask, that we can think, or we can imagine, according to the power of the Holy Spirit that works in us. Yes. Hallelujah. Tere lahu ki jai. Yeshu ki jalali. Amen. 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 हमारे साथ सिस्टर मीना चड्डा हैं दिल्ली से। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर के लिए। प्रभु, आपका लहू छिड़कता हूँ मैं। आपकी दासी को एक परमानेंट जॉब चाहिए प्रभु। आप उसके लिए रास्ता खोले स्वर्ग से, मार्ग खोले अपनी दासी की परमानेंट जॉब के लिए प्रभु। उसके विचारों से, कल्पनाओं से प्रभु जी, उत्तम श्रेष्ठ जॉब प्रभु जी, हालेलुया, आप दिलाएं प्रभु जी। इनके फादर इन लॉ वीर सिंह और मदर इन लॉ को आपके लव में छुपाता हूँ, उनके पति को, बच्चों को, इनके पति के ब्रदर को, उसके घराने को भी आपके लव में छुपाता हूँ प्रभु जी। अपने आप को इनके परिवार पे प्रकट करें पूरी रीति से, ताकि आपको जाने मुकम्मल तौर पे, और प्रभु जी आपके चरणों के संग चिपक जाए इनका जीवन। ऐसी बरकत प्रभु जी इनके जीवन को खोले, यीशु मसीह के जलाने का। आमीन आमीन। जय मसीह। सिस्टर जी, आप प्रार्थना करें, स्वर्ग विच रहण वाले परमेश्वर, तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करदे आं प्यारे प्रभु जी। साडी सब तों वड्डी गवाही इह आ कि तुसीं सानूं अज दे दिन लई जिंदा और सलामत रख्या पिता परमेश्वर। कई लोग अज दे दिन तों कूच कर गए, पर तुसीं सानूं जिंदा और सलामत रख्या पिता परमेश्वर। असीं तुहाडे वचन दे विच बणे रहीए भैणां भाईआं नाल, दास नाल, पिता परमेश्वर कलीसिया नाल मिलाया। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुकर करदे आं प्रभु जी। तुहाडी हजूरी विच बैठे अपने सिरां नूं झुकाउंदे आं पिता परमेश्वर। अज दा जो भी बाणी वचन होवे तुहाडी ओर तों होवे पिता परमेश्वर, बोलण वाले तुहाडे दास नहीं तुहाडा पवित्र आत्मा होवे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आज अपने दास नु शुभो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, गहरे और गुजे भेदा नु खोलो अज पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर भैन भाई अज वचन सुन, खुदा बंदा हजार गुणा बरकत पाउण। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, तू अल्फा आ, तू ओमेगा आ, तू आद आ, तू अंत आ, तू पहला ते आखरी आ प्रभु जी। तेरे वचन च लिखिया राह सच्चाई ते जीवन तुसी हो पिता परमेश्वर। जो ताडे विच रहिंदा कदी अंधेरे विच नहीं चलेगा पिता परमेश्वर। तड़ा वचन दादा, तड़ा वचन साडे पैरां लई दीपक, साडे राहां लई चानण आ पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, असीं तेरे वचन दे विच बणे रहीए खुदा बंदा। प्यारे प्रभु यीशु, तू अज दिन तक सानूं संभालिया, आउण वाले समें च वी संभालणा, आउण वाला समां वी तुहाडे जोरावर हत्थां दे विच दिंदे आ प्यारे प्रभु जी। तुहाडे कलाम च लिखा, आप बचो तुहाडा घराणा बचाया जाएगा। प्यारे प्रभु जी, दूसरे
ਉਲਟੇ ਤਰਫ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਸੋਚਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਠੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਲੈਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੂ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਪਾਰ ਲੌਕਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਮੰਨਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਬੰਧਨ ਤੋੜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਬੰਨੋ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਣ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਐਬ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਇਵਾਨ ਇੰਨੀ ਕੁੱਟੀ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਜੁਰੜੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਘੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਇਸ ਦਾਸੀ ਕੋ ਇਸਕੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਇਸਕੇ ਪਤੀ ਕੋ ਆਪਕੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਹੂੰ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਕੇ ਬੇਟੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਆਪਕੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तारा बंसल के लिए जो हमारे साथ थे ऑनलाइन विनीत बंसल डॉली बंसल इनके पूरे परिवार घराने को आरोही अरुषी सबको आपके लोगों में छिपाता हूँ प्रभु जी मैं सुरेश जी को जो शिमला से आगे रहते हैं इस समय स्क्रीन पे हैं सुरेश जी को आपके लोगों में छिपाता हूँ आपकी आशीष का हाथ आपके सेवक के ऊपर खोलता हूँ अपने खून की ओट में रखना जो ये काम करते हैं खुदावंद उसमें 100 गुना आशीर्वाद देना सुरेश जी को आशीषित करना यीशु के नाम में आमीन जय मसीह की जय मसीह की प्रभु मैं भाई मंगल के लिए मंगल मसीह थापा के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपकी कृपा का हाथ हो मंगल मसीह पे आपके अनुग्रह का हाथ इसके जीवन पे हो प्रभु इसकी पत्नी को इसकी बेटियों को अपने लहू में छिपाना इसका मार्गदर्शन करना ज्योति से भरे अपने पवित्र पथ पे इसे लिए चलना मैं आपका लहू छिड़कता हूं प्रभु लहू छिड़कता हूं यीशु के जलाली नाम में यीशु के जलाली नाम में इस भाई पे इसके घराने इसके परिवार पे आपका पवित्र खून छिड़क देता हूं आपके खून की ओट में रखना प्रभु जी हालेलुया बरकत देना यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से आमीन आमीन जय मसीह ब्रदर मसीह मंगल मसीह जी जय मसीह की जय मसीह पास्टर जी जय यीशु मसीह की हालेलुया हालेलुया लॉर्ड वी ब्लेस यू प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद गुरदीप जी भाई गुरदीप जी दगन से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो आज शाम को एक मीटिंग में चलना है मैं आपको मैसेज दे रहा हूं मेरे को कॉल करना 2 घंटे के बाद हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद हो
प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद हो, जलाली लहू की जय जयकार हो, जलाली लहू की। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इससे में ऑनलाइन कनेक्ट हैं, नेहा सैमुअल गिल के लिए, लॉर्ड आई ब्लेस नेहा सैमुअल गिल, आई प्लीड योर ब्लड ओवर हर, लॉर्ड आई प्रे फॉर बॉबी आर्ट दैट योर हैंड विल बी अपॉन हिम, लॉर्ड आई प्रे फॉर अमरजीत कौर फ्रॉम जलंधर दैट यू वुड ब्लेस हर डॉटर एंड हर डॉटर्स डॉटर्स, लेट योर हैंड बी अपॉन देम, आई प्रे फॉर सॉलोमन राज, आई स्पीक योर ब्लेसिंग ओवर सॉलोमन राज लॉर्ड, लॉर्ड आई प्रे फॉर ब्रदर शशि कुमार, ब्लेस हिम लॉर्ड, आई प्रे फॉर गौरव कुमार सैमुअल and his mother Renu, I cover them under the blood of the Lamb. Lord, I pray in Jesus' name. खुदावन ये सब लोग जो ऑनलाइन कनेक्ट हैं, गुरदीप सिंह उनके पूरे परिवार को आपके लहू के, शहजाद भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, रीमा शमीन के लिए प्रार्थना करता हूँ, सोहोता साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, एना जॉन, लॉर्ड आई प्रे फॉर एना जॉन, प्लीड योर ब्लड लॉर्ड। प्रभु जब हम तेरे वचन पे मनन करते हैं, तेरा आत्मा हमारे साथ बातें करे खुदावन, यीशु के नाम में आमीन। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए वेरी प्रोफाउंड सब्जेक्ट इन द बुक ऑफ रेवलेशन विच इज कॉल्ड द लास्ट ट्रम्पेट ऑफ गॉड, द सेवंथ ट्रम्प, सातवीं तुरही प्रकाशित वाक्य में जब फूकी जाती है, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 7 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल व्हेन ही शैल बिगिन टू साउंड द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड एज ही हैथ डिक्लेयर्ड अनटू हिज सर्वेंट्स द प्रॉफिट। जब सातवीं तुरही स्वर्गदूत फूकेगा तो परमेश्वर की मिस्ट्री, परमेश्वर का रहस्य, परमेश्वर का भेद संपूर्ण हो जाएगा जो भेद उसने अपने नबियों को दिया। ये कौन सा भेद है परमेश्वर का और ये कौन से नबी हैं जिन्हें परमेश्वर ने ये भेद दिया, इसके ऊपर हम सीरीज में चर्चा करेंगे। आज इसका पहला हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। कुछ लोगों का मानना है कि सातवीं तुरही फूके जाने पे कलीसिया उठाई जाएगी और परमेश्वर का जो भेद है, मिस्ट्री ऑफ गॉड, वो चर्च है, ये सातवीं तुरही उठाए जाने पर कलीसिया उठाई जाएगी। मैं इसके साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार खरी शिक्षा नहीं है। खैर मैं आपको बताना चाहता हूं, सातवीं तुरही जब स्वर्ग में फूकी जाती है तब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर मनुष्य जाति के अफेयर्स में स्टेप इन करता है, परमेश्वर मानव जाति के जीवन में दखल अंदाजी देता है जब सातवीं तुरही फूकी जाती है। किसके लिए? परमेश्वर के जो लोग सताए जा रहे हैं और जो आने वाले समय में सताए जाएंगे, यीशु मसीह के लोगों को घात किया जाएगा, जेलों में डाला जाएगा, यीशु मसीह के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, कलीसियाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, सरकार ऐसे कानूनी अध्यादेश लाएगी कि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना गैर कानूनी हो जाएगा। तो जब परमेश्वर के लोगों की आह, परमेश्वर के लोगों का रुद्रण पुकार यहोवा के सिंहासन पे पहुंचेगी, तब सातवीं तुरही फूकते परमेश्वर अपने दुख भोगने वाले संतों के बिहाग पे पृथ्वी के ऊपर हस्तक्षेप करेगा। हम पढ़ते हैं 7 कलीसियाएं, 7 मोहरे, 7 तुरियां, 7 परमेश्वर के क्रोध के कटोरे। हालेलुया। और हम सातवीं कलीसिया को देखते हैं, लौदिकिया की कलीसिया, ये है वो कलीसिया जिसमें आप और मैं रह रहे हैं, वर्ल्डली चर्च, संसारिक कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो दुनिया के जैसा दिखाई देती है, ऐसी कलीसिया जिसके अंदर दुनिया समा गई है और ऐसी कलीसिया जो दुनिया के अंदर समा चुकी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब छठी मोहर तोड़ी जाती है, छठी मोहर, तब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। एक प्रभु आएंगे बादलों पे अपनी दुल्हन के लिए, उस दुल्हन के लिए जिसकी कुपियों में तेल है, चेस्ट वर्जन, कुआरी कलीसिया, जिसके वस्त्र उज्जवल हैं, जिसके झुर्रियां दाग धब्बे दूर हैं, जिसकी कुप्पी में, ये कुप्पी के अंदर पवित्र आत्मा का तेल है और जो ज्योति से भरी है, उस दुल्हन को लेने दूल्हा आएगा और दुल्हन उठा ली जाएगी।
उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन है जिसे बाइबल में परमेश्वर के न्याय का दिन कहा गया है, परमेश्वर के महाक्रोध का दिन, पृथ्वी के ऊपर बड़े कलेश का दिन, ग्रेट डे ऑफ जजमेंट उसे कहा गया, प्रभु का दिन। मलाकी नबी अपनी पुस्तक के 4th chapter के पहले वचन में लिखता है वो तंदूर की तरह जलाने वाला दिन है, एज हॉट एज अवन, इट विल बर्न एवरीथिंग। तो छठी तुरी के फूंकते प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है और प्रभु यीशु मसीह अपने संतों के साथ आता है। तो जब हम पढ़ते हैं 8th chapter प्रकाशित वाक्य का, तो हम पढ़ते हैं छठी और सातवीं तुरी के बीच में क्या होता है, मोहर जो छठी और सातवीं जब सील टूटती है, इसके बाद पहले मोहरें टूटती हैं, उसके बाद ट्रम्पेट ब्लो होती है तुरियां, उसके बाद परमेश्वर के क्रोध के कटोरे पृथ्वी पर उतरते हैं। तो जब ये सील तोड़ी जाती है तो 8th chapter के पहले वचन में लिखा आधे घंटे का स्वर्ग में क्या है, खामोशी है। आधे, आपको मालूम हिब्रू कैलेंडर में 360 दिन होते हैं, ठीक है, और एक साल को एक दिन गिना जाता है। तो आप देखिए 360 डिवाइडेड बाय 24 तो 15 दिन, एक घंटे का मतलब लगभग 15 दिन और आधे घंटे का मतलब लगभग 7 दिन। हालेलुया। तो छठी मोहर पे खुदावंद यीशु मसीह आता है, वचन में लिखा है नबियों की पुस्तकों में वो दिन बहुत भयानक है, द डे ऑफ द लॉर्ड, ही इज कमिंग विद वेंजेंस, वो बदला लेने के लिए आ रहा है, भयानक परमेश्वर के कोप का दिन, उसे कौन सहार सकता है, आपको मालूम कौन उसे सहार सकता है। तो हम इसका उत्तर 8th chapter में लिखा वो दिन आ रहा है, बहुत भयानक दिन। तो 7th chapter में इसका हम उत्तर पाते हैं, 7th chapter में इसका उत्तर कहां मिलता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए 7th chapter उसका, सुनिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए 7th chapter के पहले वचन से, एंड आफ्टर दीज थिंग्स आई सॉ फोर एंजल्स स्टैंडिंग ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ होल्डिंग फोर विंड्स ऑफ द अर्थ दैट द विंड शुड नॉट ब्लो ऑन द अर्थ नॉर ऑन द सी नॉर ऑन एनी ट्री एंड आई सॉ अनदर एंजल असेंडिंग फ्रॉम ईस्ट हैविंग द सील ऑफ द लिविंग गॉड एंड ही क्राइड विद लाउड वॉइस टू द फोर एंजल्स to whom was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea nor the tree, till we have sealed the servants of God in their forehead. सातवें अध्याय में परमेश्वर के भक्त लोग, servants of the most high God, जो परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीते हैं, इज़ीकियल नबी की पुस्तक में क्या लिखा है, इज़ीकियल नबी की पुस्तक में लिखा है प्रभु यीशु मसीह है वो जो इंक हॉर्न लेके श्वेत वस्त्र पहन के निकला है और वो लोगों के माथे पे निशान लगाता है ताप का, किनके, जो पाप को देख के कराते हैं, रोते हैं, जो संसार की बुराई और संसार के अधर्म को देख के यहोवा परमेश्वर के आगे विलाप करते हैं, रोते हैं, जो बदकारी से पाप से दूर रहते हैं, जो संसार के सदृश नहीं बनते बल्कि अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए अलग करके रखते हैं, ऐसे लोगों के मोहर लगाई जाती है। ये मोहर लग रही है, 4 एंजल्स ने विंड को रोक के रखा हुआ है, किसी किस्म की डिस्टरबेंस नहीं होने दे रहे पृथ्वी पे, और ये मोहर लगाई जाती है 144,000 के ऊपर, ये खड़े होंगे जब प्रभु यीशु आएगा, जब सेकंड कमिंग होगी यीशु मसीह की, तो कौन लोग प्रभु के संग खड़े होंगे, ये लोग जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर लगी है, ओनली दे विल स्टैंड अप। तो प्रकाशित वाक्य 8th chapter के पहले वचन में हम देखते हैं साइलेंस, स्वर्ग खामोश। कुछ लोग मजाक में कहते हैं स्वर्ग खामोश इसलिए है क्योंकि वहां कोई औरत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये एक जोक है, क्योंकि स्वर्ग के एंजल्स संत प्रभु यीशु मसीह के साथ आए हैं पृथ्वी के ऊपर, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह जब दूसरी बार आ रहा है, तो स्वर्ग में क्या है, खामोशी है। हालेलुया। और आगे अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से मैं भी आपको बताऊंगा, स्वर्ग खामोश है क्योंकि संतों की प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, जो यीशु मसीह के लिए शहीद हुए, जिन्होंने यीशु मसीह के लिए दुख भोगा,
जो मारे गए, जेलों में डाले गए, प्रोसिक्यूट किए गए, जिन्होंने दुख भोगा प्रभु के लिए, उनकी हृदय की गहराई से उठी प्रार्थनाएं स्वर्ग के सनातन परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पहुंची हैं और यहोवा परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। तो ये जो 8 अध्याय है, मैंने 7 में बताया कौन खड़े होंगे जिनके मोहर लगी है। 8 अध्याय के 2 वचन से हम देखते हैं कि स्टेज सेट हो रही है तुरियों के लिए। 2 वचन 8 अध्याय का, एंड आई सॉ द 7 एंजल्स विच स्टूड बिफोर गॉड एंड टू देम वर गिवन 7 ट्रम्पेट्स। 7 सुपर एंजल्स जिन्हें आर्क एंजल कहा गया है यहोवा के सम्मुख खड़े हैं, उन्हें 7 तुरियां दी गई हैं। हालेलुया, 7 तुरियां। और हम आगे पढ़ते हैं, एंड अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर हैविंग अ गोल्डन सेंसर एंड देयर वाज गिवन अनटू हिम मच इंसेंस दैट ही शुड ऑफर इट विद प्रेयर्स ऑफ ऑल सेंट अपॉन द गोल्डन ऑल्टर विच वाज बिफोर द थ्रोन। हालेलुया, हालेलुया। तो अब तुरियां फूकने का समय आ रहा है, उसकी स्टेज बन रही है, आर्कएंजल तुरियां फूकेंगे। आपको मालूम, जब जरीहो के इर्द गिर्द इसराइलियों ने 6 दिन चक्कर लगाए और 7वें दिन जब उन्होंने शाउट किया, तुरियां फूकी, आपको मालूम जूश रब्बी क्या कहते हैं, उनके आगे आगे स्वर्ग के एंजल थे जिन्होंने सिल्वर चांदी की तुरियां जोर से फूकी और महान दीवारें जो हाइब्रिड ने, जायंट्स ने बनाई थी, दे केम टम्बलिंग डाउन, वो सब दीवारें नाश हो गई। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 7 ट्रम्पेट दी गई हैं, 7 तुरियां, और सोने का सेंसर है गोल्डन ऑल्टर के ऊपर, सोने का ये जो वचन है लिखा है यहां पे, मैं आपके लिए फिर पढ़ता हूं। अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर, जगवेदी के पास आके एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ, कहां पे, स्वर्ग में। यूहन्ना स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की हैकल खुलते देख रहा है, यहोवा का असली मंदिर। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के उस मंदिर के अंदर नहीं गया जो मनुष्यों के हाथों से बनाया गया है, उस तंबू में या उस हैकल में जो सुलेमान ने बनाई, और बकरों छतरों मेमनों का लहू लेके नहीं गया, वो स्वर्गीय हैकल में गया और अपने ही निष्कलंक लहू को लेके गया। जब उसने मर्सी सीट पे, करुणा की जगवेदी पे, जो अहद के संदूक आर्क ऑफ द कवेनेंट के ऊपर है, उस लहू को उंडेला, परमेश्वर का न्याय पूरा हो गया। यीशु मसीह के लहू ने परमेश्वर के न्याय को सोख लिया, यीशु मसीह के लहू ने जजमेंट को अपने अंदर जज़्ब कर लिया, यीशु मसीह के न्याय ने परमेश्वर की पवित्र रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया, और मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह का लहू मोक्ष का द्वार बन गया। तो आप देखें, स्वर्ग में हैकल खुलती है, कहां हैकल खुलती है, स्वर्ग में। पृथ्वी पे जो मूसा ने तंबू बनाया, प्रभु ने उसे स्वर्ग में मंदिर दिखाया और प्रभु ने कहा इसकी नकल करना पृथ्वी पे। जो सुलेमान ने हैकल बनाई वो स्वर्गीय हैकल की शैडो थी, नकल थी। हालेलुया। तो ये जो पवित्र स्थान है, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 2 वचन से हम देखते हैं यूहन्ना दर्शन कैसे देख रहा है। यूहन्ना देख रहा है पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान की ओर जाना, आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान, पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान की ओर जाना। हालेलुया। तो पवित्र स्थान में क्या था, पवित्र स्थान में 7 चिराग जलते हैं, 7 कैंडलस्टिक जिसे मनोरा बोलते हैं, पवित्र स्थान में वो जलते हैं। और पवित्र स्थान में एक टेबल है जिसके ऊपर शू ब्रेड है, हजूरी की रोटी रखी गई है। और पवित्र स्थान में दूसरी तीसरी चीज क्या है, एक ऑल्टर है, एक जगवेदी है, लेकिन ये जगवेदी कुर्बानी की जगवेदी नहीं है। इस जगवेदी के ऊपर परमेश्वर के आगे इंसेंस चढ़ाई जाती है, जिसे हम धूप कहते हैं, धूप जलाई जाती है, गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ये 3 चीजें पवित्र स्थान के अंदर है। यूहन्ना स्वर्ग के मंदिर को देख रहा है, पृथ्वी के मंदिर को नहीं। पहला पवित्र स्थान, उसके बाद है अति पवित्र स्थान। हालेलुया। तो जो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, जहां पे धूप चढ़ाई जाती है, वो पहले कंपार्टमेंट में है। पहला कंपार्टमेंट पवित्र स्थान है, वहां पे है। हालेलुया, हालेलुया।
तो जो न्याय होता है, जजमेंट होती है, जो दंड आता है, न्याय होता है, वो फर्क पहली जो जगह है होली प्लेस उसके अंदर, वहां पे आता है जहां पे गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस रखी गई है। उसके बाद जब ट्रांजिशन होती है, आगे बढ़ा जाता है, तब व्यक्ति अति पवित्र स्थान में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पहले पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में वो जगवेदी है जिसके ऊपर क्या लिखा है यहां पे तीसरे वचन में, अनदर एंजल केम एंड स्टूड एट द ऑल्टर हैविंग गोल्डन सेंसर। उसके पास सोने का एक कलश है, और अनटू हिम वाज गिवन मच इनसेंस दैट ही शुड ऑफर इट विद द प्रेयर ऑफ ऑल सेंट्स अपॉन द ऑल्टर व्हिच वाज बिफोर द थ्रोन। उसके पास जो इनसेंस से भरा कटोरा है, उसके अंदर संतों की दुआएं मिला दी गई है, वो संतों की जिन्होंने यीशु मसीह के लिए शहादत दी, उन संतों की जिन्होंने यीशु मसीह के लिए दुख भोगा, वो संत जो यीशु मसीह के लिए मारे मारे फिरते रहे, वो संत जिनको दुनिया ने जेलों में डाल दिया, घात किया, कलीसियाएं चर्चेस जला दी गई, उन संतों की दुआएं इंसेंस में मिला के वो कहां उड़ेली जाती हैं, गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस, सोने की धूप की जगवेदी। और क्या लिखा है, एंड द स्मोक ऑफ द इंसेंस which came with prayer of the saint ascended up before God out of the angel's hand। वो क्या हुआ, वो भर गई, वो धुआं उठा, परमेश्वर के संतों की पवित्र दुआओं का धुआं, वो फ्रेग्रेंस इंसेंस के साथ मिलके उठ के यहोवा के नथनों तक जा पहुंचा। हालेलुया, परमेश्वर के सामने चला गया। एंड द एंजल took the censer and filled it with fire of the altar। अब जब वो प्रार्थनाएं यहोवा के पास चली गई, यहोवा ने अपने दुख भोगने वाले सच्चे खादिमों की दुआओं को सुना। स्वर्ग झूठे नबी, झूठे प्रेरित, झूठे पापा डैडियों की दुआएं नहीं सुनता। स्वर्ग अपने सच्चे संतों की, सच्चे नबियों की, सच्चे प्रेरितों की, जो परमेश्वर के सच्चे कलाम की बुनियादी करते हैं, जो परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर के सच्चे राहों पर चलाते हैं, जो परमेश्वर की भेड़ों को सच्ची शिक्षा कलाम की देते हैं, हरी हरी घास की चराइयां सच्ची शिक्षा देते हैं, जो सुखदायी जल के झरनों के पास लेके जाते हैं, निर्मल पानी कलाम का जिससे भेड़ों को शुद्ध करते हैं, जो भेड़ों को अभिषेक के तेल से मसा करते हैं सच्चे अभिषेक से, और जो भेड़ों की खाल उतारने के लिए नहीं, जो भेड़ों की ऊन कुतरने के लिए नहीं, जो भेड़ों को मार के घात करने के लिए नहीं, बल्कि वो जो भेड़ों के लिए अपनी जान देते हैं, ऐसे सच्चे खादमों की दुआ यहोवा परमेश्वर के सामने बखूर की मानन पहुंचती है, इनसेंस की तरह पहुंचती है, और यहोवा उन्हीं दुआओं को सुन के पृथ्वी पे काम करता है। और फिर क्या लिखा आगे पांचवें वचन में, एंड द एंजल टुक द सेंसर एंड फिल्ड इट विद फायर ऑफ द ऑल्टर। अब पहले स्वर्गदूत ने क्या किया, स्वर्गदूत ने उस इंसेंस को आग के साथ मिला के, उस इंसेंस को परमेश्वर की संतों के साथ मिला के, संतों की दुआओं के साथ मिला के आग के ऊपर, स्वर्गीय आग पे डाला, उसका धुआं यहोवा तक पहुंचा। फिर उसने क्या किया, पांचवें वचन में उसने सेंसर को लिया और आग से भर दिया, और क्या किया, आग से जब भरा एंड कास्ट इट इनटू द अर्थ, वो आग को पृथ्वी के ऊपर उड़ेल दिया। परमेश्वर की जजमेंट आ गई, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी की कौमों पे, कुलों पे, गोत्रों पे, राष्ट्रों पे, देशों पे, दुनिया की सरकारों पे, हुकूमतों पे, दुनिया के निजामों पे, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को प्रताड़ित किया, उनके ऊपर वो आग स्वर्गदूत ने उड़ेल दी। हालेलुया, प्रार्थनाएं नहीं मिक्स की बीच में, बल्कि उस आग को नीचे उंडेल दिया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जजमेंट का काम पहले कंपार्टमेंट में हुआ, जहां पे गोल्डन ऑल्टर ऑफ इंसेंस है। हालेलुया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में आए, जब जजमेंट आ गई कहां से, होली प्लेस से, फर्स्ट कंपार्टमेंट से। अब 11th चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, तो 11 अध्याय में हम क्या देखते हैं, प्रकाशित वाक्य के
प्रकाशित वाक्य के 11 अध्याय में देखते हैं कि स्वर्ग खुल गया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि 10th और 11th चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि स्वर्ग खुला और क्या दिखाई दिया, आर्क ऑफ द कवनेंट दिखाई दी गई। हालेलुया। 11th चैप्टर को अभी मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता, आप पढ़िए 10th 11th चैप्टर। जब जजमेंट आ गई पृथ्वी के ऊपर कहां से, होली प्लेस से, तब जो होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस के बीच में कर्टन है हटा और आर्क ऑफ द कवनेंट दिखाई दी, परमेश्वर के ऐद का सलूक स्वर्ग से दिखाई दिया। हालेलुया। तो जो छठी ट्रम्पेट है, सात छेमी तुरी, छेमी जो तुरी है और जो सातवीं तुरी है उसके बीच में एक शिफ्ट होती है, एक तब्दीली आती है पहले कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की ओर। जो धूप की जगवेदी है, ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, वहां से परमेश्वर की ऐद के संदूक की ओर पर प्रभु का ये दास दर्शन देखता है। हालेलुया। तो मैं एक वचन पढ़ता हूं, ये मैंने पहले पढ़ दिया आपके लिए, प्रकाशित वाक्य 8:4। हालेलुया। 5 और मैं आप 6 आपके लिए पढ़ता हूँ, 5 फिर पढ़ता हूँ। एंड द एंजल टुक द सेंसर एंड फिल्ड इट विद फायर ऑफ द ऑल्टर एंड कास्ट इट इनटू द अर्थ। उस आग को पृथ्वी पे उंडेला, पृथ्वी पे यहोवा का दंड आ गया। एंड देयर वर वॉइसेस एंड थंडरिंग एंड लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। बहुत घनघोर आवाजें हुई और गर्जने हुई और बिजलियां चमकी और भूकंप आ गया। फिर क्या हुआ? एंड 7 एंजल्स विच हैड द 7 ट्रम्पेट्स प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू साउंड। फिर ये 7 तुरियां पृथ्वी पर फूंकी जा रही हैं। पहले जजमेंट आ गई, दंड आ गया, अब 7 तुरियों को फूंके जाने की तैयारी की जा रही है, 7 तुरियों। तो जब पहली तुरी फूंकी जाती है तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए, सुने। द फर्स्ट एंजल साउंडेड, 8:7। पहले एंजल ने जब पहली तुरी फूंकी तो क्या हुआ? हेल, गड़े गिरे, आग आई और गड़ों के बीच में ब्लड था। मैंने एक दिन आपको मैसेज दिया था, विज्ञान हंसता था इसके ऊपर कि एक ही समय में आग और बड़े बड़े गड़े, बर्फ के बड़े बड़े तोंदे और आग और खून एक ही समय स्वर्ग से कैसे आ सकता है। तो वो सोचते थे कि प्रकाशित वाक्य एलगोरिकल किताब है, प्रकाशित वाक्य अलंकारों में लिखा गया है, ये रियलिटी नहीं है, ये केवल दंत कथाएं हैं, एलगोरिकल लैंग्वेज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य एलगोरिकल नहीं है, प्रकाशित वाक्य सच्ची किताब है, इसका लिखने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर की सच्ची बातें हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 5,000 से ज्यादा प्लेन्स होते हैं एयरबोर्न, और जो प्लेन होता है वो 700 फारेनहाइट टेम्परेचर इंडोर कर सकता है, 700 फारेनहाइट डिग्री की गर्मी बर्दाश्त कर सकता है। फिर मैंने आपको बताया कि ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और सीएमई कोरोना मास इजेक्शन, ये 2 फिनोमेना सूर्य पे हो रहे हैं जिसकी वजह से पृथ्वी पे गर्मी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की सूर्य में से एक्सप्लोजन हो रहे हैं सूर्य की सतह पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होने के कारण जितने ऊपर सैटेलाइट भेजे गए हैं जब ईएमपी बढ़ेगी वो सैटेलाइट जो है वो जल जाएंगे। कोरोना मास इजेक्शन क्या है? सूर्य में से लिक्विड प्लाज्मा निकल के बाहर जा रहा है, वो जो लिक्विड प्लाज्मा है वो 10,000, 20,000, 25,000 फारेनहाइट से भी ज्यादा टेम्परेचर है उसका, सब कुछ पिघल जाएगा, पृथ्वी अंधेरे में चली जाएगी, सारे सैटेलाइट जब समाप्त हो जाएंगे तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा, आपका सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आप एटीएम में जाते हैं इंटरनेट से, आपके बैंकिंग इंटरनेट से जुड़ी हुई है, आपकी जितनी आईडीज है सब इंटरनेट के संग कनेक्टेड है, सब कुछ स्टैंड स्टिल में चला जाएगा। तो वो सूर्य की इतनी भयंकर गर्मी के कारण जो जहाज हवा में उड़ रहे होंगे वो पिघल जाएंगे।
उनके अंदर हजारों लोग जो होंगे वो लिक्विड ब्लड बन जाएंगे और स्ट्रेटोस्ट्रॉपिक एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, नीचे का टेम्परेचर में वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बड़े बड़े बर्फ के तोंदे गिरेंगे और आग आएगी नीचे और उन लोगों का ब्लड उसके संग मिक्स होकर जमीन पे गिरेगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वचन पूरा होगा जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम लूका 23 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह को कलवरी पे लेके जा रहे हैं, रोमी सिपाही है, कोड़े मारते जा रहे हैं, एक जगह यीशु मसीह टंबल करते हैं, ठोकर खाके गिरते हैं, तो शमौन कुरैनी नाम का व्यक्ति यीशु मसीह के क्रूस को उठाता है। तो उस समय कुछ औरतें हैं यरूशलम की जो यीशु मसीह को देख के रोती हैं, यीशु मसीह को देख के छाती पीटती हैं। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं उन्हें, यीशु मसीह कहते हैं हे बीबियो, हे बहनों, मेरे लिए मत छाती पीटो, मेरे लिए मत विलाप करो, तुम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए विलाप करो। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा, ए यरूशलम दियो बेटियो, ए यरूशलम दियो बेटियो, तुसी अपने उत्ते वैण करो, तुसी अपने उत्ते वैण करो, ए यरूशलम दियो बेटियो। यीशु मसीह जब क्रूस उठा के जा रहा है, कोड़ों की मार से लहू लुहान है, गिरता पड़ता जा रहा है, उस समय अपनी भविष्यद्वक्ता आंखों से देख रहा है इसराइल के ऊपर आता हुआ बड़ा दंड, भयंकर दंड जो इसराइल के ऊपर आ रहा है, यीशु मसीह उसे देख रहा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है अगर हरे दरख्त के संग ये किया गया, यीशु मसीह हरा भरा दरख्त है, हम सूखे दरख्त है, तो यीशु मसीह कहता है सूखे दरख्त के संग कितना बुरा किया जाएगा। आपको मालूम ये हरा दरख्त क्या है, हरा भरा दरख्त, ये एक समय था इज़राइल के लिए, वो अपनों के पास आया पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो आया उनके लिए राज्य लेके, उनको राज्य चाहिए था पर राजा नहीं चाहिए था, क्योंकि ये राजा तो बहुत दीन है, बहुत विनम्र है, ये राजा रोम की सरकार का तख्ता पलट नहीं करता है, ये राजा कोई पॉलिटिकल एम्परर बादशाह बन के नहीं आता, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। तो इज़राइल को जो ग्रीन हरा पेड़ का समय है वो इज़राइल को दिया गया। आपको मालूम कब तक, जब तक पतरस ने पहला प्रचार यहूदियों को किया, उसके बाद आखिरी प्रचार हम देख रहे हैं जो मासिव आखिरी प्रचार किया गया वो स्टीफन ने किया, स्टीफनस ने, और उन्होंने स्टीफनस को घात कर दिया, उसके बाद उनका हरा समय खत्म हो गया। ये लगभग यीशु मसीह के जाने के साढ़े तीन साल तक चला, 34 AD तक चला। तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि तुम सूखा दरख्त बन जाओगे, इज़राइल सूखा दरख्त बन गया। हालेलुया। आपको मालूम रोमियों ने क्या किया इनके साथ, 70 AD में टाइटस आया, उसने इज़राइल को घेर लिया, यरूशलेम के चारों ओर घेरा डाल लिया, उसने मासेकर किया यहूदी लोगों का, ऐसे मर्सिलेसली मारा, टेंपल को तोड़ दिया और बुरी तरह मारा। हालेलुया। ये अफवाह फैल गई थी कि यहूदी लोगों ने मंदिर के जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके अंदर सोना छिपा के रखा है, तो रोम के उस शासक ने, टाइटस ने, पत्थर पत्थर अलग अलग कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था एक पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। तो वो भविष्यवाणी पूरी हुई 70 AD में, जब टाइटस आया उसने हैकल को तोड़ा और पत्थरों को तोड़वा दिया देखने के लिए कि सोना तो नहीं उनके बीच में। और आपको मालूम इतिहासकार लिखते हैं, हेरोडोटस, जोसेफस,
कि उसने यहूदियों को ऐसे कत्ल किया कि हैकल की जो सीढ़ियां थी वहां से खून का दरिया बह रहा था, जैसे पानी बहता है ऐसे यहूदियों का खून बह रहा था। हालेलुया। यहूदियों को ऐसे मारा किसने? टाइटस ने। आपको मालूम यीशु मसीह ने 24 अध्याय मत्ती की इंजील में भविष्यवाणी करके अपने चेलों को बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे बुरा हाल होगा, ऐसे ऐसे फौजी आएंगी, घेरा डालेंगी, जब तुमको तुम देखना पहाड़ पे चढ़ जाना, भाग जाना, यरूशलेम को छोड़ देना। तो जितने विश्वासी थे, जितने मसीही थे, जितने क्रिश्चियन थे, वो यरूशलेम से भाग गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां मत्ती 24 में और लूका 21 में और मरकुस 12 में भविष्यवाणियों ने प्रभु के लोगों को पहले तैयार कर दिया था। वो वहां से चले गए लेकिन यहूदी लोग मारे गए। हालेलुया। आपको मालूम परमेश्वर ने रोमन्स को भी सजा दी, भयंकर सजा दी, क्योंकि रोमियों ने यीशु मसीह को मारा था। हालेलुया। एक वचन मैं चाहता हूं आप पढ़ें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय। हालेलुया। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 51 और मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसका 25 वचन। सुने, बिहोल्ड आई एम अगेंस्ट दी ओ डिस्ट्रॉइंग माउंटेन, सेथ द लॉर्ड, which destroyed all the earth, and I will stretch out my hand upon thee, and roll thee down from the rocks, and will make thee a burnt mountain, burning mountain. ये judgment परमेश्वर ने डाली। Hallelujah, burning mountain. Hallelujah. तो आपको मालूम ये सजा परमेश्वर ने दी रोमन्स को, रोमियों को, रोमन सरकार को, 4th-5th century में। आपको मालूम क्या हुआ? वैंडल्स लोग जो स्पेन से पुर्तगाल से, वो लोग घोड़ों पे रहते थे और मर्सनरी थे, बहुत लंबे चौड़े तैंत की तरह थे और काट देते थे लोगों को, पीसेस में काटते थे। वैंडल्स लोग पायरेट बन गए, शिप्स, बड़े बड़े शिप्स थे उनके पास, शिप्स में वो रोमियो के शिप पे अटैक करते थे। उन्होंने रोमियो के सारे शिप बर्बाद कर दिए, बारूद लगा के उड़ा दिए और रोमन्स को लूटा उन्होंने। वैंडल्स उन्हें कहा जाता था। आपको मालूम वो स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल से निकल के आए और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया कार्थेज पे। कार्थेज कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी का एक शोर है कार्थेज। आप हिस्ट्री पढ़ें, बैटल ऑफ कार्थेज, जिसमें रोमियो का सफाया कर दिया वैंडल्स ने। आपको मालूम ये जो शब्द है वैंडलिज्म, गुंडागर्दी करना, मॉब लिंचिंग करना, लोगों को मार देना अटैक करके, इसे वैंडलिज्म कहां से कहा गया है? ये वैंडल्स जो लोग थे, हांस एंड वैंडल्स, इन लोगों ने रोमी लोगों को नाश कर दिया। ये नेवी पायरेट्स जो थे, इन्होंने रोम को पिलेज कर दिया बुरी तरह से। रोमियों को सजा दी यहोवा परमेश्वर ने, क्योंकि उसके फौजियों ने अपना गंदा थूक खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पे डाला था। तो मैं आगे प्रकाशित वाक्य में से और आपको शिक्षा दूंगा, लेकिन अभी मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं सुनीता कौर को आपके लहू में छिपाता हूँ, एंजेला ड्रोच को आपके लहू में छिपाता हूँ, मंजीत मसीह पे आपकी कृपा हो, बॉबी आर्ट पे आपकी कृपा हो, प्रभु भाई पौलुस खोखर को अपने खून में छिपाइए, आपका लहू छिड़कता हूँ खुदावंद, रितु राप्टा पे आपका लहू छिड़कता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, सृष्टि सेठ को अपने लहू में छुपाएं, पास्टर लखविंदर को अपने खून में छुपाएं, प्रभु जी कमलजीत गिल पे, सुरेश कुमार पे आपकी कृपा, प्रभु मैं जॉयस मुनीर जो यूएस से हैं, पास्टर अनस मलकी चर्च का हिस्सा थी, सिस्टर जॉयस मुनीर और उनकी फैमिली, जय मसीह की सिस्टर, यीशु के नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ। भजन सिंह पे आपका लहू छिड़कता हूँ, मत्तू बिलाम पे आपका लहू छिड़कता हूँ। हम सब मिलके तमन्ना ठाकुर के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु तमन्ना ठाकुर के गले को छुइएगा, तमन्ना ठाकुर की किडनीज को छुइएगा, तमन्ना ठाकुर के ऊपर आपकी चंगाई का आत्मा काम करे। मैं तमन्ना ठाकुर पे आपका लहू छिड़कता हूँ, यीशु मसीह आपका खून छिड़कता हूँ तमन्ना ठाकुर के जीवन पे, मुस्कान राजपूत पे आपका लहू लगाता हूँ खुदावंद,
मंगल थापा उनके परिवार को अपने लहू में छिपाइए खुदावन, एना जॉन को आपके लहू में छिपाइए खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, मैं इन तमाम लोगों को जिनके लिए मैंने पहले प्रार्थना की जो ऑनलाइन है, सबको आपके जलाली खून की ओट में लाता हूँ, एक एक को बरकत दें खुदावन। हालेलुया यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। गुरदीप सिंह जी फ्रॉम दगन, मुझे कॉल करना आप, आज हम मीटिंग के लिए जाएंगे, शाम को एक सभा करेंगे, कुछ पास्टर्स भी गैदर हो रहे हैं, मुझे ड्राइव करना है काफी, तो प्रार्थना कीजिएगा प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन पे हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, सबको जय यीशु मसीह की, जय मसीह।